नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। 1 करोड़ से अधिक की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त, फोरलेन से लगी ढाबे और मकान को किया जमींदोज। बंडोल थाना क्षेत्र के गोरखपुर में प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। जी हां, खबर सिवनी से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा माफिया मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का असर अब सिवनी में भी देखने को मिलने लगा है। कल मंगलवार सुबह से ही प्रशासन की संयुक्त अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरलेन से लगे यामी ढाबा और पीछे बने मकान को 5 JCB मशीनों की सहायता से जमींदोज कर दिया है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर मंगलवार को सिवनी तहसील के ग्राम गोरखपुर अलोनिया में यामी ढाबा संचालक तीरथ पिता बडगू डहरिया एवं उनके पुत्र के विरुद्ध आपराधिक एवं आबकारी के कई मामले दर्ज हैं। सिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत गोरखपुर पंचायत में फोरलेन से लगी चरनोई भूमि में पिछले कई सालों से सरपंच के भाई तीरथ डहरिया ने कब्जा करते हुए पहले एक बड़ी भूमि पर मकान बनाया और उसके बाद फोरलेन से लगी रिक्त पड़ी भूमि पर भी एक आलीशान ढाबा भी बना लिया था। इस ढाबे में तरह तरह के आपराधिक गतिविधियां को संचालक के द्वारा अंजाम भी दिया जा रहा था। उनके अंतर्गत ग्राम गोरखपुर बंडोल सर्किल में है, यहाँ पर तीरथ डहरिया एवं उसके पुत्रों द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि चरनोई मत की भूमि थे उस पर ढाबा चला करके अतिक्रमण किया गया था और पीछे एक मकान भी बना लिया गया था उसके द्वारा। तो ये माफिया अभियान के अंतर्गत इनको आज हटाया गया। CM हेल्पलाइन में भी इनकी शिकायतें थी और लगभग 97 लाख की शासकीय भूमि इससे मुक्त कराई गई। छपारा से अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट।